झज्जर जिले में हरियाणा तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से अमृत सरोवर मिशन के तहत झज्जर के चार गांवों में चार तालाबों को विकसित करने का कार्यक्रम शुरू हुआ। इस मौके पर जिले के गांव खातिबास में पूर्व मंत्री और विधायक गीता भुक्कल और डीसी कैप्टन शक्ति सिंह समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। अमृत सरोवर मिशन के तहत गाँव खातिबास में दादा सिराज वाले तालाब को विकसित करने का कार्य रविवार से शुरू हो गया। विधायक गीता भुक्कल की उपस्थिति में दादा सिराज वाले तालाब के पुनरुद्वार से जुड़े कार्य के लिए भूमि पूजन हुआ। देखिए, पूरे देश भर में जिस समय जैसे कि आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, उसके तहत ही अमृत सरोवर कार्यक्रम जो है चलाया गया है। आज हरियाणा के कोने में सभी जगह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, सभी विधायक और सांसद, 90 विधायक और 15 हमारे सांसद हैं, सभी जगह प्रयास किया गया है कि एक एक सरोवर जो है उसका आज शुरुआत उसमें की गई है। तो हमारे गांव खातिबास में दादा सिराज वाला हमारा जो बहुत ही प्राचीन हमारा तालाब है, उस पर आज विधिवत रूप से यहाँ पर कार्य शुरू हुआ है। और इसमें यह है कि न केवल सरोवरों का जीर्णोद्धार होगा, जैसे 3 एकड़ करीब इसमें फैला हुआ है, 9 एकड़ के करीब इसको अच्छे ढंग से बनाया जाएगा, साफ भी किया जाएगा और उसकी ज़रूरत पड़ेगी जब डीवॉटरिंग भी की जाएगी, अच्छे से पेड़ पौधे लगाकर इसको बहुत ही अच्छा एक स्थल भी बनाया जाएगा। और तालाबों को किस प्रकार से उनका संरक्षण किया जाए, किस प्रकार से बचाया जाए, इस तरह का कार्य जो है सरकार के द्वारा किया गया। हम लोग चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारे ऐसे तालाब हैं जो कि बहुत ज़्यादा मान्यता प्राप्त हैं, और ज़्यादा सरकार जो है इनको टेकअप करे। और पहले ज़माने में तो होता था कि खुद खुदाई करते थे लोग और कुंड भी लगाते थे, अब ये जिम्मेवारी हम लोगों की मिलकर बनती है कि हमारे जो प्राचीन सरोवर हैं, तालाब हैं, उनको ये सरोवर उत्सव के रूप में जैसे मना रहे हैं, तो ये कार्य आज जो है गांव खातिबास में जिला प्रशासन और सब लोगों ने मिलकर गांव के प्रेजेंस में किया गया। प्रावधान है कि आप जो है इसमें साफ़ सफाई करवा सकते हैं, ज़्यादातर क्योंकि मैनुअल काम नहीं करते हैं और जेसीबी से फिर पेमेंट नहीं होती, यही एक सबसे बड़ा कारण है कि उसमें अगर लगातार सफाई भी होती रहे तो ठीक है, ये गाँव की भी जिम्मेवारी है और सभी को मिलकर जो है साफ़ सफाई और तालाबों को बचाए रखने का कार्य भी करना चाहिए। और इसमें बता रहे हैं कि अभी कोई मशीन भी लेकर आए हैं जिससे कि इसकी प्रॉपर जो है वो सफाई भी हो जाएगी, और उम्मीद करेंगे अतिशीघ्र जो इसका कार्य का निर्माण कार्य आज पंचायत विभाग और सिंचाई विभाग द्वारा जो शुरू किया गया, अतिशीघ्र ये सही समय पर पूरा होगा। और साथ ही साथ हम हमारे क्षेत्र के जो दूसरे तालाब हैं जो कि खासतौर से बस्ती के बीच में आ